हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और जिला महानगर के पदाधिकारियों ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हल्द्वानी में भी निकाली गई है। इस यात्रा के तहत लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 500 सीटों से कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया गया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांसा का कहना है कि देश में एकता अखंडता को बरकरार रखने की जो अलख राहुल गांधी ने जगाई है वो हम सभी जगाने का आह्वान करते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज युवा कांग्रेस हल्द्वानी द्वारा यहां पर भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार से हम भी यहाँ पर जो आम जनमानस है, जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, जो CBI की मांग है हमारे युवाओं की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उत्तराखंड के युवाओं की, उसका लड़ने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से करेंगे। और आगे को आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा की सीटें यहां से जिताने का काम युवा कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कर दिखाएगी। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा भी रुकी नहीं है, उसी का स्वरूप आज यहाँ पर भी देखने को मिला है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर दोबारा निकाली गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है डिवाइड एंड रूल करने की, वो हम पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और उसी के वजह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और हम देश को एकजुट होकर देश में एक भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं। और उसी के तहत हम लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और आज भारत हमारे युवा कांग्रेस द्वारा और हमारे महानगर अध्यक्ष द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है।